का असर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिले का तापमान रात में 6 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सबसे ज्यादा ठंड में बुजुर्ग लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी को देखते हुए जिले के निगम आयुक्त इच्छित गढ़पाल एवं SDM अतुल सिंह ने देर रात कृषि मंडी, रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया और इन स्थानों पर ठंड में ठुठर रहे लोगों को कंबल बांटे एवं भोजन की व्यवस्था भी करवाई गई। इसी के साथ ही कृषि उपज मंडी में कई दिनों से किसान अपनी फसल बेचने आए हैं, जिन्हें रात में ठंड का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद दोनों प्रशासनिक अधिकारी उन्हें ठंड से बचने के लिए कृषि उपज मंडी के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश भी दिए। पिछले साल वाले कंबल ठंड लग रही ज्यादा, यहाँ क्यों सो रहे? अरे क्यों दादा, ठंड नहीं है? क्या दे दे इसको, एक कंबल दे दे। ये सब सामान रखी है, ये क्या है इसका, ये सब ये इतना क्या है सामान? यही सोते क्या रोज? उधर तेरे को वृद्धाश्रम में भेज देंगे तुम्हारे, खाना पीना मिलेगा तो वहाँ रहोगी क्या? नहीं है कंबल उड़ा देंगे एक से। हाँ ये बस मंडी आना रात में कोई खींच के ले जाएगा उसका मत। किसान का जो है ना, मतलब अपन जो माल तेरा में क्यों डाल रहे हैं, वो तो बात है, झाड़ने की बात है। किसका माल है यहाँ? कौन सा किसका? हाँ जी खरीदे। और ये माल मिलाया किसान लोगों ने, वो उसको सचिन गया हुई थी तो बोलो ना, हर जगह लकड़ी लकड़ी कितने देके गए? रही है उसमें गरीबों को या आने जाने वालों को, राहगीरों को ठंड से राहत देने के लिए सार्वजनिक के स्थानों पे अलाव जलाए गए हैं निगम के द्वारा। और जब तक अभी तेज ऐसी ठंड रहेगी, व्यवस्था अलाव की जारी रहेगी, सभी जगह पर्याप्त लकड़ी पहुंचाई जा रही है, और यदि कहीं कमी हो तो निगम में सूचित कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था